हेलो एवरीवन, सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हनुमान जागीड़ और मेरे साथ है टीसी गुप्ता सर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुरु नीति का फोर्थ एपिसोड, फोर्थ नंबर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीट गैसियस स्टेट को। चले सर, करें स्टार्ट। बिल्कुल सर, करिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम ये दे रखा है, बॉयल्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोइंग, P is equal to K1 into 1 by V, where P is the pressure, V is the volume, K1 जो है वो proportional constant है, which of the following option is true about constant K1? सर मैं अगर एक बात बोलूं, तो ये Boyle's law वगैरह जितने भी है, इनसे ideal gas equation derive हुई है basically। बिल्कुल सर। लेकिन अगर अपन को numerical approach से बात करनी है, तो मेरे को कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मेरे को ultimately ये देखना है कि एक्चुअल इक्वेशन जो होती है वो PV इक्वल टू NRT होती है। इसमें से जो कांस्टेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग लॉ जो होगा वो सेट हो जाएगा। बिल्कुल सर, है ना। अब ये कह रहा है P is equal to 1 by V चाहिए, तो P is equal to, अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, NRT by V, V हो जाएगा सर। बिल्कुल, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे को यहां से ये मालूम चलेगा कि K1 is equal to जो होगा वो NR और T होगा। बिल्कुल सर, ये बात हो गई। अब अपन को ये बोलना है कि K1 के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे K1 की वैल्यूज के बारे में डेटा दे रखा अपन को, जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो वैल्यूज ऑफ K1 के बारे में आइडिया दे रहे हैं। K1 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं सर, तो फर्स्ट n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। बिल्कुल, तो एक तो डिपेंड करेगा सर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर इसकी वैल्यू। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, टी टेम्परेचर, ये लीजिएगा टेम्परेचर टी। थर्ड नंबर अगर मैं बात करूं तो सर आर तो वैसे कॉन्स्टेंट है, तो इसके ऊपर डिपेंड तो नहीं करना चाहिए, बट आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट के ऊपर। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की अगर यूनिट चेंज करूंगा तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू चेंज होगी, और आर की वैल्यू चेंज होगी तो फिर तो केवल भी चेंज होगा। बिल्कुल सर, तो मैं ऐसा बोल दूं कि थर्ड नंबर पॉइंट यूनिट ऑफ प्रेशर आएगा। बिल्कुल, इन तीन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए सर। अब ऑप्शन देखते हैं सर अपन क्या कह रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है वैल्यू ऑफ K1 डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है सर। इट मींस आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है वैल्यू ऑफ K1 डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ द गैस बोले मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, मोल्स ऑफ गैस। तो इसका मतलब सर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी हमने बात कर ली थी नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा सर। थर्ड नंबर बात करें वैल्यू ऑफ K1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ P एंड V, सर यूनिट ऑफ P एंड V के ऊपर डिपेंड करेगा, P और V की यूनिट चेंज करते ही R चेंज हो जाएगा, R चेंज होगा तो K1 भी चेंज होगा। तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया, तो फोर्थ ऑल ऑफ द अबव है नहीं सर, इसका मीनिंग है नहीं, तो करेक्ट आंसर विल बी 2। सर ओवरऑल मैं अगर ये बात करूं कि ये तो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड स्टेटमेंट था, ऐसे कैसे चार्ल्स लॉ से रिलेटेड बन सकता है। बिल्कुल ठीक है ना सर। तो अगर चार्ल्स लॉ में अपन ये बोलते हैं जनरली कि V is directly proportional to T होता है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं V is equal to K1 into T, तो यहां K1 के बारे में, यहां पे K1 के बारे में पूछ सकता है सर। तो ओवरऑल क्राइटेरिया ये है कि यहां पे जो रहता है चार्ल्स लॉ में वो प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट होता है। तो सर मैं एक बात बोलूं कि हमेशा फिक्स पैरामीटर रहेगा, जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर फिक्स होता है, तो जो आप फिक्स रख रहे हो एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे टेम्परेचर फिक्स था तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इस वाले में प्रेशर कांस्टेंट है तो पी के ऊपर डिपेंड करेगा एक तो, और सेकंड नंबर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा सर, हमेशा फिक्स है अमाउंट के ऊपर नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, और थर्ड यूनिट ऑफ पी एंड वी के ऊपर तो हमेशा डिपेंड करेगा ही करेगा। तो मैं ओवरऑल ये बोलूं कि दो फैक्टर तो हमेशा सेम रहेंगे, अमाउंट ऑफ द गैस एंड यूनिट ऑफ पी एंड वी। थर्ड पैरामीटर वो होगा जिसको आप कांस्टेंट रख रहे हैं, अगर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर गया, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो इस टाइप से सर चार लॉ है, तो चार क्वेश्चन अपन को फ्रेमिंग करके दे सकते हैं। ठीक है सर, चले आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, पढ़ते हैं इसको। ए बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बस्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, अगर प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा हो जाता है तो बलून क्या फट जाता है। इफ एट 1 बार प्रेशर ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 2.27 लीटर वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून
बी एक्सपांडेड यानी बलून को हम कितना फुला सकते हैं। तो हिंदी में बात करें तो एक गुब्बारा कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन गैस के द्वारा भरा जाता है, यह फट जाएगा यदि गैस का दाब 0.2 बार से अधिक हो जाए और 1 बार दाब पर गैस 2.2 से लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, तो कौन से हाइड्रोजन गुब्बारे को मैक्सिमम फुला सकते हैं। तो देखो इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, जो डेटा गिवन नहीं होता है सर वो उसको कॉन्स्टेंट कंसीडर करना है। और अभी हमने बात की कि जस्ट बॉयलो में क्या था, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, तो बॉयलो में क्या देगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लो अगर मालूम भी नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, पीवी इक्वल टू है ना, जो कॉन्स्टेंट है वो आप रिमूव कर देंगे, आप रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि फाइनल हम लगा भी सकते हैं कि P1V1 अपॉन अगर बात करें N1T1, अगर हमें लो पता नहीं है तो आप डायरेक्टली आप इसको कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सर, क्योंकि पीवी अपॉन एनटी की वैल्यू आर के इक्वल होगी और आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो दिमाग में आपको टेंशन लेनी नहीं है कि कौन सा हम लो अप्लाई करें, बिल्कुल। अब देखो अगर यहाँ बात करें तो इसमें नंबर ऑफ मोल गैस की बात नहीं हो रही, टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, सही है, आपके N1 इक्वल टू N2 होगा और T1 इक्वल टू T2 होगा, और आपको आइडिया आ जाता है कि बॉयलो लगाना है तो भी आप क्वेश्चन सही होगा, क्या करना अल्टीमेटली P1V1 इक्वल टू P2V2। अब देखो प्रेशर जो है जो वन नंबर वन के हम ये मान लेते हैं कि पहले प्रेशर कितना है 1 बार है, तो P1 हो गया 1 और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है 2.7 हो रहा है, और प्रेशर P2 कितना है 0.2 बार है, और ये V2 क्या जाएगा इसका मैक्सिमम वॉल्यूम जिसको हम इसको फुला सकते हैं, उसके बाद बस्ट हो जाएगा सर, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सिंपली V2 क्या हो गया 2.27 अपॉन 0.2, अगर हम पॉइंट से पॉइंट की बात करें 11 के आसपास ऑप्शन अपने पास सेकंड ही है, तो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, थर्ड नंबर प्रॉब्लम ये दे रखी है सर, आइडियल केस ऑफ गिवन मास इज हीटेड फर्स्ट इन ए स्मॉल वेसल first and then in large vessel second, if plot between P versus T are plotted for first and second, the correct PT curve in first and second condition, sir यहाँ पे P versus T का ग्राफ है और इसको आपने जो है वो क्लोज कंटेनर के अंदर अगर आप दे रहे तो इसका मतलब PV equal to NRT में हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है सर, जो डेटा कॉन्स्टेंट है अपने आप रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब अपन P और T के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल, तो P is equal to हो जाएगा सर NR upon V T, बिल्कुल ये हो गया सर, तो P और T का ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा फर्स्ट ऑफ थिंग, P और T का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो फोर्थ नहीं होगा और फर्स्ट नहीं होगा, पहले तो ये मान लो यानी आपका आंसर या तो सेकंड में होगा या थर्ड में, या फिर थर्ड में से होगा। अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे करें, ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, वॉल्यूम के ऊपर। अब आपको दे रखा है फर्स्ट वाला जो कंटेनर है वो स्मॉल है, इट मींस v1 कम है, v1 कम है, v1 इज लेस, ऑर्डर ये आ जाएगा v1 जो होगा वो लेस देन होगा v2 से। अगर आप ये कह रहे हो कि v की वैल्यू अगर कम होगी सर तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी फिर, तो बिल्कुल अगर v कम होगा उस कंडीशन में nr अपॉन v की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब इसका स्लोप इंक्रीज होगा, बिल्कुल, तो जो स्मॉल कंटेनर होना चाहिए उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए सर, ये फर्स्ट कंटेनर कह रहा है स्मॉल है तो इसकी स्लोप जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो, इसका मतलब थीटा ज्यादा होना चाहिए। ये सेकंड वाला ऑप्शन में देखिएगा सर, ये थीटा यहाँ पे ये वाला बनेगा थीटा वन, और लार्ज कंटेनर होगा तो ये बनेगा थीटा टू, थीटा वन ज्यादा है इसका मतलब ये होगा कि इसकी ग्राफ की स्लोप ज्यादा है फर्स्ट वाले की, स्लोप ज्यादा है इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, इसका मतलब ये स्मॉल कंटेनर वाला होना चाहिए, बिल्कुल, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा अपना सर सेकंड। चलिए सर आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट इसमें सेम रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर द थ्री आइसोथर्म रेस्पेक्टिवली T1 T2 एंड T3, टेम्परेचर रिलीविंग द ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम से T1 T2 और T3 ताप पर समतापी वक्र ताप का सही क्रम होगा। सो देखो सर ने बताया वो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा हमें पता है देखो T1 पर आइसोथर्म यानी T कांस्टेंट होगा, और T कांस्टेंट होगा तो क्या लगेगा बॉयलर लगेगा, तो PV इक्वल टू क्या होता है उसमें कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब PV इक्वल टू कांस्टेंट है और आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इक्वल टू NRT, बिल्कुल सर। अब तो हम यहां से बात करें अगर मान लो हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर दो, एक तरीका सर ने बताया वो भी बहुत बढ़िया है, इससे हम कर सकते हैं कि हम वॉल्यूम यहां पे कांस्टेंट कर दें
वॉल्यूम मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या हो रहा है पी ओ टी क्या हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मींस जिस ग्राफ के लिए प्रेशर ज्यादा होगा डैम श्योर उसके लिए टेम्परेचर भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो मैं तीनों के लिए दिस इज द फोर पी वन एंड दिस इज फोर पी टू एंड दिस इज पी थ्री। तो हमें सिंपल जी बात देखो पी वन ज्यादा है पी टू कम है पी थ्री और कम है तो पी वन मोर देन पी टू मोर देन पी थ्री इट मीन्स क्या होगा मैंने क्या बताया दोनों क्या होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस केस में क्या होगा T1 will be maximum, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट हो नहीं सकता, सेकंड में सर T1 मिनिमम है तो क्या होगा T1 more than T2 more than T3। तो आप दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हो स्टैच्यू कर सकते हो और सर ने जो बताया आप स्लोप से उससे भी आप कर सकते हो इसको ऐसे भी कर सकते हो सर कि अगर जैसे सपोज करो आपने P को कांस्टेंट V को कांस्टेंट बनाया हो सकता है P को कांस्टेंट बना तो सर ऐसे भी कर सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो आप तो यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया तो यहाँ पे वॉल्यूम से देख लेंगे V is directly proportional to T, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा इसका मतलब फर्स्ट वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए थर्ड वाले का मिनिमम होना चाहिए। तो आप जैसे आपके दिमाग में जो आइडिया क्लिक करे ग्राफ वाले क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव की। The relation between various variable of gaseous substances are given in the table along with the formula. Mark the incorrect relationship. ये कह रहे हैं सर एक फॉर्मूला बना के दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फॉर्मूला लिख रखा है मतलब क्वांटिटी दे रखी है और राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला दे रखा है और अपन से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है डेंसिटी एंड मोलर मास सर मैंने आपको बोला कि आइडियल गैस जब भी आए तो अपने पास एक ही ऑप्शन है PV equal to nRT लगा। बिल्कुल सर वहां से अगर मैं PV equal to nRT लगाता हूं यहां से तो ये PV n को लिख दिया मैंने मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये W लिख दो आप इसको W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m और R R मेरे को डेंसिटी लिखनी है तो डेंसिटी का मतलब ये m उधर लेके चला जाऊं PV अपॉन PM upon RT PM equal to PM upon RT is equal to W upon V ये हो गया density तो D is equal to हो जाएगा PM by RT बिल्कुल सर। अब अपन को चाहिए सर यहाँ से M तो M is equal to हो जाएगा D RT upon P तो first statement तो correct है correct है। second बोल रहा universal gas constant PVT universal gas constant और PVT में क्या relation होगा तो PV equal to nRT से R जो होगा वो PV upon NT हो जाएगा ये भी सही R is equal to PV upon NT हो जाएगा। थर्ड की बात करें वॉल्यूम और प्रेशर की बात वॉल्यूम और प्रेशर लेकिन तो सर यहाँ पे एक मेंशन होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब ये बात करनी चाहिए अपन को। इसमें हम ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर में सिंपल रिलेशन पूछ रहा है हाँ। तो इट मींस जैसे हमने बात की कि R की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी कांस्टेंट होगी PV upon NT होगी बिल्कुल सर। तो इट मींस क्या होगा P1 V1 upon n1 t1 equal to p2 v2 upon n2 t2। अब यहां पे जो डेटा बात निकल रहा है हम उसको यहां से अगर रिमूव कर दें तो रिलेशन आ जाएगा p1 v1 equal to p2 v2, v2. But यहां पे एक्चुअल में क्या रहा है p1 v2 equal to p2 v1 तो ये फॉर्मूला अपना क्या हो गया गलत हो इनकरेक्ट हो। अब बात करें वॉल्यूम और टेंपरेचर की तो सेम फंडा हम यहां अप्लाई कर सकते हैं और टेंपरेचर के लिए इसका मतलब v by t मींस v1 upon t1 is equal to v2 upon t2 t2 हो जाएगा तो यहां से बनेगा v1 t2 is equal to v2 t1 ये यहां पे सेट है तो इसका मतलब इनकरेक्ट जो होगा वो हो जाएगा अपने पास थर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। बिल्कुल फर्स्ट सही था सही सेकंड अपना करेक्ट था थर्ड इनकरेक्ट हो गया और फोर्थ भी क्या है करेक्ट है और इसमें क्वेश्चन में बात किससे कर रहा है इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा बिल्कुल सर। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 3.06 लीटर ऑफ H2O और ये वेपर फेज में है इज टेकन एट ए प्रेशर ऑफ 1 एपीएम और टेम्परेचर है 373 केल्विन इट इज नाउ कंडेंस्ड टू ए लिक्विड और टेम्परेचर आपका क्या रहता है सेम रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में इट मींस वेपोराइजेशन या बॉइलिंग बोल सकते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय H2O लिक्विड वॉल्यूम हमें डिटरमाइन करना है लिक्विड का
डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपने पास है 1 ग्राम पर ml। अगर हिंदी में बात करें तो एक एटीएम दाब और 373 दाब पर वाष्प के 3.06 लीटर हैं, ठीक है। तो H2O लिक्विड में संघनित H2O लिक्विड द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा? अल्टीमेटली हमें लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो गैस की, तो यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम अगर निकालें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू होगा मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सही है सर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू होगा मास ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब मास ऑफ लिक्विड के लिए हम दिमाग क्या लगाएंगे कि अपने पास गैस की क्या अमाउंट है, गैस की कंडीशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या लगा देंगे हम? पीवी इक्वल टू एनआरटी, और पीवी इक्वल टू एनआरटी से यहां क्या जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, H2O गैस क्या है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? पीवी अपॉन आरटी। और नंबर ऑफ मोल को अगर यहां चाहिए आपको मास, तो अगर मोल अपने पास है और वेट अपने को निकालना है, अल्टीमेटली वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और H2O लिक्विड ले लो या वेपर ले लो, मोलर मास तो कोई चेंज आएगा नहीं, 18 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ये मास आ गया, हम फाइनली मास आ गया, हम डायरेक्टली पुट कर रहा हूं मैं इसको। तो वॉल्यूम क्या होगा? दिस इज मास ऑफ लिक्विड, दिस इज मास ऑफ लिक्विड। तो मैं मास ऑफ लिक्विड की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू हम लेंगे 180 एम, वॉल्यूम है यहां पे 3.06 लीटर अपॉन आर की वैल्यू हम लेते हैं अप्रोक्सीमेट 1/12 लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू है 373, ठीक है, इनटू 18 हमें करना ही करना है, और ये वेट 16 ग्राम में आएगा। और डेंसिटी है कितनी? डेंसिटी वाटर इसमें गिवन है 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी से हम डिवाइड करना है, ठीक है। कोई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहां से अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें हम, तो वॉल्यूम कितना हो गया अपना? ये आ जाएगा सर, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1.8 ml के आसपास आ जाएगा सर। हाँ, अगर हम कैलकुलेट आउट कर सकते हो तो 1.8 ml का आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर प्रॉब्लम ये दे रखा सर, इक्वल मास ऑफ H2 हीलियम एंड CH4 आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर एट 300 केल्विन टेंपरेचर व्हेन टोटल प्रेशर इज 2.68। द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन द मिक्सचर इज, ये आपसे पूछा है सर। एक तो तरीका ये होता है सर इसका, जिसे H2 जो है इसका मोलर मास 2 है, हीलियम का मोलर मास 4 है और CH4 का 16 है। अगर आपको इक्वल मास लेना तो या तो आप 16 ग्राम भी ले सकते हो, जिससे इनका इजीली मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। एक तरीका होता है x लेके भी कर सकते हैं, मैं सीधा सर 16 ले रहा हूं, बिल्कुल अगर 16 ले रहा हूं, अगर इक्वल मास 16 ग्राम, तो मोल्स ऑफ H2 जो होगा वो होगा गिवन वेट अपॉन इसका मोलर मास 2, 8 मोल, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूं हीलियम के मोल की, तो 16 / 4 इज इक्वल टू 4 मोल आ जाए, बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 की अगर अपन बात करें तो 16 / 16 इज इक्वल टू, बिल्कुल 1 आ जाएगा। ये टोटल मोल्स आ गए सर, टोटल प्रेशर अपने पास पड़ा है, अपन को पार्शियल प्रेशर पूछा है, और ये सारी गैस सर नॉन रिएक्टिंग है। H2 हीलियम के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, और H2 CH4 के साथ भी रिएक्ट करेगा नहीं, और हीलियम तो इनर्ट गैस है ही, तो इसका मतलब ये होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहां पे अप्लाई है। अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल ये लग जाए। टोटल प्रेशर आपको दे रखा है 2.6, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हाइड्रोजन के मोल 1 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल हो गया 13, तो इट इज द 1.6 एटीएम प्रेशर आ जाएगा, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेकंड इज द करेक्ट आंसर सर, सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ मीथेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज एनक्लोज इन अ वेसल ऑफ 1 लीटर, यानी अपने पास वॉल्यूम है 1 लीटर के दिया है सर। टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इट मींस बात करें 273 केल्विन। द
रेशियो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, देखो जस्ट पहले वाला हमने इस पे किया था, बिल्कुल सर डोनर वेसल पार्शियल प्रेशर ही लगा, और यहाँ भी देखो जो तीनों गैस हैं वो क्या है यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग कंसीडर करनी पड़ेगी सर, 273 केल्विन पे रिएक्ट करेगा नहीं, करेगा नहीं, और N2O2 तो एटमॉस्फेयर में होती है, CH4 और O2 के बारे में थोड़ा डाउटफुल केस है तो सर ये भी पे कंबस्टन नहीं हो पाया, कंबस्टन के लिए आपको टेंपरेचर हाई चाहिए, हां ठीक है, और इनका पार्शियल प्रेशर रेशियो 1:4:2 है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर PT, P टोटल आपको दिया हुआ है 2660 mm ऑफ Hg, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वेसल, यानी आपको अल्टीमेटली O2 के मोलिक्यूल के लिए आपको O2 के मोल निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, अब O2 के मोल पहले निकालते हैं फिर मैंने इसे मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सर ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो पहले हम निकाल लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो O2 की बात करें नंबर 3 पे है तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का रेशियो डिवाइड बाय टोटल, टोटल 7 इनटू प्रेशर है 2660 और mm of Hg को हम atm में ले लेते हैं, जनरली अपनी क्या लेते हैं प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते हैं और वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, अब प्रेशर ऑफ O2 आ गया और p इक्वल टू क्या होता है mRT / V, तो मोल्स ऑफ O2 ठीक है, r की वैल्यू हम लेते हैं 1/12 ले लेते हैं, t गिवन है 273 / वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपका गिवन है 1 लीटर, तो यहां से हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे O2 कैलकुलेट ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, वो आपके क्या जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम करें इसको कैलकुलेशन करें इसकी ठीक है, बिल्कुल सर, तो यहां से मोल्स ऑफ O2 देखो यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेते हैं, 10 से 10 अप्रोक्सीमेट कैंसिल हो गया ठीक है, और अगर यहां हम बात करें तो 2 टाइम्स जाएगा ठीक है, और 3 यानी अप्रोक्सीमेट इसको ले लेते हैं हम 23 हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, और 23 ले लेते हैं और यहाँ भी हम कर लेते हैं 38 ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो हम देख लेते हैं मोल्स ऑफ O2 हो गया 266 / 7 × 38 और वहां से आएगा 23 इंटू आपका हो गया Na, बिल्कुल ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं ठीक है, तो यह फाइनली सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा Na / 22.44, कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं ठीक है, तो आपका एस ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, नेक्स्ट देखिएगा सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, दो कंटेनर दे रखे हैं, टू वेसल कंटेनिंग गैस ए एंड बी आर इंटरकनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द स्टॉपर इज ओपन, यहां पर सर एक स्टॉप वॉक लगा हुआ था इसको आपने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो ये यहाँ से हटा दिया गया, बिल्कुल, the gases are allowed to mix homogeneously, इसका मतलब ये वाली गैस इधर आएगी ये वाली गैस इधर जाएगी, मिक्सिंग हो, मिक्सिंग हो सकती ठीक है, the partial pressure of A and B in the mixture respectively will be, आपसे ये पूछा गया है कि partial pressure of A and B container के क्या होना चाहिए, overall sir यहाँ पे temperature के बारे में कुछ mention नहीं है तो मैं temperature constant लेता हुआ चलूँ ठीक है, अब यहाँ पे गैस ए है और इधर गैस बी है, इसका 12 लीटर है 1 atm, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इनका प्रेशर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैं ओवरऑल बात करूंगा तो गैस ए का लिए जब मैं बात करूंगा तो ये 12 लीटर प्लस 1 लीटर वॉल्यूम दोनों के लिए काउंट होगा, बिल्कुल मिक्सिंग की बात है, टोटल वॉल्यूम जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर हम टोटल दोनों गैस को अप्लाई करें तो वी क्या आएगा, वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सिस्टम ये लेना पड़ेगा सर, पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा, ये सिस्टम है, हाँ, आपको पता है कि इसमें जो वी होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नॉट द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सर, तो अगर टोटल अगर मैं इस पूरे को सिस्टम कंसीडर करता हूं तो टोटल वॉल्यूम हो गया 20 लीटर, मेरे को अप्लाई करना है पार्शियल P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बिल्कुल सर, ये वही फ्लो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मिक्सिंग में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट होगा तो बहुत सिंपल इसको विदाउट कैलकुलेशन टिक कर सकते हैं सीधा, ठीक है सर, यहाँ से मैं पी ए ले लेता हूँ, बिल्कुल सर, ठीक है, इंटू वी ए फाइनल में पी ए डैश ले लेता हूँ इंटू वी फाइनल जो आएगा वो लेना है, बिल्कुल ये मिक्सिंग से पहले का ये v, मिक्सिंग के बाद का वी फाइनल अपना जो टोटल वॉल्यूम है वो आ जाएगा, पी ए पहले था 8 वी ए पहले था 12 लीटर पी ए डैश पार्शियल प्रेशर फाइनल में वी फाइनल हो गया अपने पास 20 12 प्लस 8 क्या हो गया 20 तो यहां से पी ए डैश आएगा 96 / 20 इट इज द 4.8
आंसर यही से क्लियर हो गया। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो आपको एक ही चीज सॉल्व करनी चाहिए थी, पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेके आ जाओ। फिर भी बी की हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है कि तो प्रेशर ऑफ बी क्या हो गया, देखो वहां से हम देखें तो पहले आ रहा, पहले प्रेशर कितना था 5 था, तो 5 हो गया इनटू वॉल्यूम कितना था 8 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल 20, तो 5 4 टाइम जाएगा और यहां से क्या आंसर आ गया 280 आपको आंसर आ गया, इट मींस आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चले सर आगे चले, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, 2 liter ऑफ मॉइस्ट हाइड्रोजन, इट मींस क्या इसमें सर, इसमें वाटर भी हो गया प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल H2 गैस भी है, हाँ प्लस H2O गैस भी, ये हम बात करें तो वेपर साथ वेपर, ठीक है, वर कलेक्टेड ओवर ए वाटर एट 26 डिग्री सेल्सियस एट टोटल प्रेशर ऑफ 180 P टोटल अपने को गिवन है 180 On analysis, it was found that the quantity of H2 collected was 0. यानी moles of H2 अपने पास हैं 0.0788. What is the mole fraction of H2 in H2 in the most liters? अगर हिंदी में बात करें तो 2 liter अपनी क्या है नम हाइड्रोजन है और जब जल के ऊपर इसको इकट्ठा करते हैं तो तापमान है और टोटल जो प्रेशर है 180 और जब इसको एनालाइज किया तो ये ज्ञात हुआ कि H2 के मोल दे रखे हैं तो H2 की मोल भी नहीं क्या होगी, तो मोल भी इनका सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या होगा, हाइड्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल हो जाएंगे सर, H2 अपॉन टोटल मोल्स। अब H2 के मोल गिवन है सीधा बिल्कुल 0.0788 और टोटल मोल के लिए हम क्या करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम दोनों मिक्सर पे, मिक्सर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन पे मिक्सर में क्या होगा वही पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहां से एन कैलकुलेट हो जाएगा और यहां से टोटल मोल करें सर कैलकुलेट, टोटल मोल एन इक्वल टू मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा सर यहां से एन टोटल इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, तो हम सीधी वैल्यू रखते हैं यहां पे, यहां पे वैल्यू तो प्रेशर की वैल्यू अपने पास है 180 वॉल्यूम है 2 लीटर और आर की वैल्यू लेंगे क्या 1/8 या 1/12 ले लें और टी बोले तो टेम्परेचर दे रखा सर 26 डिग्री सेल्सियस में 299 केल्विन और जब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपके आएगा 0.967 इन्हें वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर करेक्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की 11 दे रखा सर डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस सर ये कह रहा है कि गैस अणुओं के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बलों की प्रभावशीलता है, ये कह रहा है कि जेड और जेड की वैल्यू दे रहा है सर, एक्चुअल में ये बात जो चल रही है वो रियल गैस की चल रही है बिल्कुल, अगर आइडियल गैस है ना तो आइडियल गैस में केटीजी में अपन बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में न तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए और न ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना चाहिए, रियल गैस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ न कुछ प्रेजेंट होगा, आइडियल गैस रियल गैस दो ही रीजन की वजह से बनी है सर, एक तो गैस मॉलिक्यूल का साइज सिग्निफिकेंट होता है और सेकंड नंबर गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्ट होता है। अगर जेड की बात करूं सर, ये कह रहा है जेड जो होता है इसको बोलते हैं अपन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर संपीड्यता गुणा, ये होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये इसका रेशियो है सर अल्टीमेटली, एक तो बात ये बिल्कुल। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में, इसका अगर सेकंड फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं, ये मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया वी बाई एन, एक मोल का वॉल्यूम है बिल्कुल, वी बाई एन जो होता है सर वो होगा आर टी बाई पी के बराबर बिल्कुल, आइडियल के लिए तो अप्लाई है पी वी इक्वल एनआरटी से आ सकता है, ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं तो ये हो जाएगा पी वी मोलर ऑफ रियल गैस अपॉन आर टी, ये तो R कांस्टेंट है और ये R रियल गैस को रिप्रेजेंट करता है, ये Z होता है। अगर मैं बात करूं कि Z जो है, अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि रिपल्शन फोर्स डोमिनेटिंग है, अगर रिपल्शन का फोर्स डोमिनेटिंग है इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो इसका मोलर वॉल्यूम जो होगा वो आइडियल के कंपैरेटिव में ज्यादा होगा, रियल का वॉल्यूम ज्यादा होगा आइडियल के कंपैरेटिव में, तो इसका मतलब Z जो होगा वो ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 1, अगर ये रिपल्सिव फोर्स क्या है डोमिनेट है तब, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगा तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो होगा वो मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज्यादा आएगा,
यहाँ से हम ले सकते हैं कि रियल गैस का अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा को अगर कम से डिवाइड करेंगे तो श्योर है ग्रेटर देन बनेगा, ठीक है सर। और अगर अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट होता तो अट्रैक्शन का फोर्स अगर डोमिनेट होता है इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल पास में आते हैं और पास में आते तो इसका मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है ये कम आता मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, तो उस कंडीशन में जेड जो होता वो लेस देन 1 आता। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग की बात चल रही है तो जेड ग्रेटर देन 1 आएगा और ये डिपेंड्स करेगा जेड की वैल्यू के ऊपर। ऐसा वैसा क्वेश्चन सर नीट 2019 में भी था जो डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। चले सर आगे, गैस स्टेन में नीट में मेनली पोर्शन केमिस्ट्री में रियल गैस से लेता है, रियल गैस से या पीवी इक्वल टू आइडियल गैस की कैलकुलेशन का पार्ट फिजिक्स में आता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए रियल गैस के चांस नीट में ज्यादा होता है और आएगा तो सर पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इसी के आसपास रहता है। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मेज द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट टी। तो देखो यहां पे हम लेते हैं बात एक तो वैन डर वाल कांस्टेंट एक की लेते हैं, एक क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर। और साथ में कर लेते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, क्योंकि ये तीनों फैक्टर के लिए रिलेशन सेम है, सेम है, ठीक है। और ये तीनों जो फैक्टर है ये होते हैं प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ गैस, पोलैरिटी ऑफ गैस। और अगर मान लो गिवन सारी की सारी पोलर है और सारी की सारी नॉन पोलर है, बिल्कुल नॉन पोलर है, तो नंबर टू फैक्टर हम बात करेंगे मोलर मास की, मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे। इट मींस अगर मान लो गिवन सारी पोलर है, अब क्या कर रहे हैं, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके लिए ए भी ज्यादा होगा, बिल्कुल जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उनका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है नियोन है, ठीक है, और बेंजीन है, टोलुइन है और हीलियम है, ये ऑलमोस्ट सारे सब नॉन पोलर है, ये सारी की सारी नॉन पोलर है। बिल्कुल। इसमें एक बात कहते हैं आपको, इनर्ट गैस के लिए सबसे कम होगा मिनिमम फॉर इनर्ट गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस भी क्या होती है, हीलियम, नियोन। तो अगर इनर्ट गैस मोर देन वन हो तो वहां से हम क्या कर देंगे, मतलब मोलर मास, इसका मोलर मास ज्यादा उसके लिए ए ज्यादा। तो देखो यहाँ पे इनर्ट गैस हम कौन कौन सी है, नियोन है और हीलियम है, तो इनके लिए तो होगा मिनिमम। अब बात करें बेंजीन प्लस टोलुइन, तो टोलुइन की देखें तो मोलर मास श्योर इसका ज्यादा होगा, ज्यादा है सर। इट मींस मैक्सिमम किसका हो गया, टोलुइन का, टोलुइन का होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू थर्ड नंबर पे आ रही है, तो थर्ड नंबर पे आ रही है, थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए यहां, मतलब आपका आना चाहिए टोलुइन C6H6CH3। तो ऐसा ऑप्शन या तो वन पॉसिबल है या सेकंड आपका होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, थर्ड होगा, थर्ड बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फोर्थ भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, क्लियर। अब मैंने बोला कि इनर्ट गैस का सबसे कम है तो सेकंड नंबर भी यही आएगा, बेंजीन आना चाहिए। 24 से जस्ट कम वैल्यू अपने पास 18 है, 18 है, तो वो बेंजीन का मैच बेंजीन से होता है, तो 18 का मैच बेंजीन का अपने पास, वो दोनों ऑप्शन है। बिल्कुल। आगे हम और बात करेंगे। अब अपने पास जो बाकी दो वैल्यू हीलियम की है, नियोन की है, अब इसमें जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके लिए वैल्यू ज्यादा होगी, तो मोलर मास ज्यादा बात करें तो अपने पास नियोन का मोलर मास ज्यादा हो, उस नियोन का ज्यादा होना चाहिए, तो नियोन के साथ वैल्यू में जोड़ दें 5.64, ये वाली वैल्यू, यानी आपके जो ऑप्शन में एंड में क्या आना चाहिए, नियोन, नियोन आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपका फर्स्ट तो है नहीं, फोर्थ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर होगा। और ये तीनों पे आप ही अप्लाई कर सकते हो, एक ही वैल्यू ज्यादा होगी, इट मींस ए रिप्रेजेंट अट्रैक्शन पार्टी, अट्रैक्शन ज्यादा इट मींस क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, और हम जानते हैं टीसी क्या होता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच एनी गैस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, इट मींस लिक्विड में ट्रांजिशन क्या होगा, सिंपल होगा। बिल्कुल। और उतना ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 100 ml ऑफ O2 गैस डिफ्यूज इन 10 सेकंड, 100 ml ऑफ गैस x डिफ्यूज इन t सेकंड, गैस x एंड टाइम t के, हमें गैस और टाइम दोनों मैच करके देखने पर। सर ये 100 ml O2 गैस दे रखा है 10 सेकंड है, मैं फर्स्ट ऑफ थिंग अगर ये बात बोलूं O2 और H2 का तो आपको याद रह जाए तो सबसे बेस्ट है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो RD जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, या डेंसिटी हम ले सकते हैं, डेंसिटी ले सकते हो, D इज इक्वल टू PM / RT होता है, डेंसिटी भी ले सकते हो, डेंसिटी ऑफ द गैस भी, कोई भी। ये अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 की बात करूंगा तो ये आएगा
सर सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है गैस का मूवमेंट करना। बिल्कुल, गैस जितनी हल्की होगी उतनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट करेगी। सिंपल बात, जो छोटा आदमी ज्यादा भागता है बड़ा आदमी भाग नहीं पाता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग O2 का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 32 अपॉन H2O हो गया नीचे, ये आ गया 4। मैं ऐसा बोलूं रेट ऑफ H2 जो आएगा वो 4 टाइम्स रेट ऑफ O2 आएगा। O2 आएगा बिल्कुल सर, ये आएगा। अब यहां से सर दो, इसकी दो मीनिंग होती है, रेट ऑफ H2 इज 4 टाइम्स रेट ऑफ O2 है, तो इसकी दो मीनिंग सामने आएगी। कैसे? अगर मैं बात करूं सर रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन का फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल x अपॉन टाइम t। बिल्कुल, एक तो ये हो सकता है, या फिर कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है v अपॉन टाइम t, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कितने मोल्स डिफ्यूज हुए अपॉन टाइम। इट मींस ये तीन फॉर्मूले, तो डिवीजन तीन टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, x / t, v / t एंड n / t। अब अगर आप ये कह रहे हो रेट ऑफ H2 4 टाइम्स है, बिल्कुल, तो मैं इधर यहां पे वॉल्यूम वाला टर्म्स रुकियो, अपन को वॉल्यूम से रिलेटेड बात है। बात किसकी कर रहा है? वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम वाला टर्म यूज करेंगे। तो दो कंडीशन हो सकती है, अगर आप वॉल्यूम सेम रख रहे हो और आप कह रहे हो हाइड्रोजन की रेट 4 टाइम्स आ रही है, अगर v सेम है और आप कह रहे हो हाइड्रोजन की रेट 4 टाइम्स है, इसका मतलब टाइम फॉर हाइड्रोजन जो लगेगा वो 1/4 टाइम फॉर O2 लगना चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। और अगर आप कह रहे हो t सेम रखे और वॉल्यूम के लिए बात करें, अगर मैंने t सेम रख दिया तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो 4 टाइम डिफ्यूज होगा एज कंपेयर टू किसके। सिंपल ही बात है, H2 गेट लाइट गैस है, हल्की गैस है, ज्यादा भागेगी या जल्दी भागेगी, इसलिए टाइम कम लग रहा है। बिल्कुल, ज्यादा भागेगी इसलिए वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है। ये दो रिलेशन आ गए। अब सर मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपने वॉल्यूम जो है वो सेम डिफ्यूज करवाया। अगर वॉल्यूम सेम डिफ्यूज करवा रहे हो तो हाइड्रोजन के लिए जो टाइम लगना चाहिए वो 1/4 लगना चाहिए, बिल्कुल कम लगेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए लग रहा था 10, तो 10 का 1/4 हो गया 2.5 सेकंड। फर्स्ट इज द करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है सर, बाकी अगर आपको कोई दूसरा चेक करना है तो आप यहां से रेट ऑफ डिफ्यूजन लीजिएगा, वॉल्यूम सेम करो, वॉल्यूम सेम करने के बाद टाइम का रिलेशन आ जाएगा इसे। और आप डेटा पुट करके अगर इक्वल आता है तो करेक्ट है, इक्वल नहीं आता है तो इनकरेक्ट है। चले सर आगे। बिल्कुल चले सर, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 की। M2OX एक गैसीय ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 36.32% ऑक्सीजन, यानी इसमें O2 का जो परसेंटेज है वो है 36.32%। बिल्कुल, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिवीजन, जो अभी हमने बात की प्रीवियस क्वेश्चन में, CO2 एंड दिस मिक्सचर इज 4.7:4.6। इट मींस बात क्या कर रहा है, रेट ऑफ डिवीजन ऑफ CO2 अपॉन रेट ऑफ गैस, रेट ऑफ डिवीजन ऑफ M2OX, M2OX और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होगा, ये हम बात करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा रेशियो, जो गैस ऊपर आती है उसका मोलर मास नीचे आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो CO2 का मोलर मास नीचे आएगा और मिक्सचर का मोलर मास सर हम M ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अगर इसकी जो वैल्यू अपने पास है वो गिवन है 4.7/4.6। ठीक है, आगे पूछा था एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट m, यानी M2OX में हमें m का एटॉमिक मास हमें क्या करना बेटा, कैलकुलेट करना। अगर हिंदी में बात करें तो गैसीय ऑक्साइड में O2 का परसेंटेज है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें CO2 और इसका जो रेट ऑफ डिवीजन विस्तरण की दर का जो अनुपात है वो है 4.7:4.6। तो यहां से हम एक काम करते हैं, पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो सर, तो हम इस पार कर दो दोनों साइड, ये हो जाएगा सर 1.02 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल, और 1.02 का स्क्वायर हो जाएगा 1.04। बिल्कुल हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है ये स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 1.04 और स्क्वायर हो जाएगा 1.044 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 45.8 या 45.9 के आसपास आएगा, यानी 46 से कम रहेगा सर। बिल्कुल सर, ठीक है, तो आपने एक काम कर लिया कि जो ऑक्साइड उसका मोलर मास में निकाल लिया। बिल्कुल, अब दूसरा हमें m का एटॉमिक वेट के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू क्या दिया अपने पास कि इसमें O2 का जो परसेंटेज है वो 36.32% है, तो यहां से हम x निकाल सकते हैं, तो क्या होगा वेट ऑफ O2 क्या होगा 16x हो जाएगा सर, ये अपॉन तो यहां से 45.9 इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 36.32। X से आएगा, तो
तो x की वैल्यू अगर 1 आई है तो मेरे को यहां से ये सीधा ये देखना है कि m2 का मतलब हो गया 2 into इसका एटॉमिक वेट a कंसीडर कर लिया मैं 16 plus 16 into x की वैल्यू है 1 इक्वल टू आया 45.9 यहां से मैं यहां से 2a is equal to आ जाएगा यहां से सर 29.9 और इसको डिवाइड करेंगे तो 14 के आसपास वैल्यू रहेगी सर 14.8 के आसपास आएगा और 14 के पास अपना जो ऑप्शन है वो एक्जेक्टली 14 गिवन है बाकी देखो 17 की बात करें तो डिफरेंस सर बहुत ज्यादा हो जाता होगा बाकी तो पॉसिबल है ही नहीं ठीक है तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि गैस एक्ट एज आइडियल गैस एक्ट ये बोला सर कोई भी गैस जो होती है रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस कब बन जाएगी तो इसका सिंपल सा तरीका है आइडियल गैस तभी बनेगी जब अपन प्रेशर को जो है वो लो रखे और टेम्परेचर को हाई रखे तो अल्प दाब और उच्च ताप पर गैस जो होगी वो आइडियल की तरह बिहेव कर लेगी ये सेकंड आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर इसको एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से आप चेक कर सकते हैं आइडियल के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है 1 और अगर हम बात करें लो प्रेशर पे तो जेड की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस ए अपॉन वीआरटी एन अपॉन वीआरटी बिल्कुल सर अब प्रेशर ऑलरेडी लो है आपने कह दिया वैल्यू बहुत ज्यादा है अगर टी अगर आप ज्यादा रखोगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो जेड वन आ गया इट मींस टी आपका यहां से हाई लेना ही लेना आपको और चलो प्रेशर लो का पता कैसे ला अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कैसे प्रूव करें तो नंबर 1 का नंबर 2 का जेड इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आरटी ये अप्लाई कब होता है हाई प्रेशर पे होता है ठीक है अब ये हाई प्रेशर अप्लाई होगा तो हमें क्या करना देखो अगर प्रेशर हाई होगा तो शोरेज 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी 1 प्लस समथिंग हो जाएगा पर अपने को इसको जीरो करना है बिल्कुल अब जीरो करने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा सर लो करना पड़ेगा और टेंपरेचर को हाई करना पड़ेगा तो P जितना कम होगा T जितना हाई होगा तभी 1 के कंपेयर में क्या आएगा बिल्कुल एप्रोक्सिमेट जीरो आएगा तो यहां से भी क्या है कंडीशन लो प्रेशर इक्वल टू 1 तभी आएगा जब प्रेशर लो और टेंपरेचर हाई हाई तो ये सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो गया नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेट मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ ए गैस इफ इट्स मोलर एक्सपेलेट वॉल्यूम इज 3.2 पाई एमएल इन नैनोमीटर मॉलिक्यूलर डायमीटर नैनोमीटर में कैलकुलेट करना है क्लियर मेंशन है इन नैनोमीटर यू हैव टू कैलकुलेट इन नैनोमीटर गैस के लिए आणविक व्यास की गणना करो ठीक है यदि इसके लिए मोलर अपवर्तित आयतन का मान दो आणविक व्यास अणु का व्यास डायमीटर मॉलिक्यूल का डायमीटर तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन में दो कांस्टेंट आते हैं ए और बी ए और बी अब बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम की बात करेगा बी बी और बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4na into 4 by 3 pi r cube यहां पे na रिप्रेजेंट एवोगाड्रो एवोगाड्रो कांस्टेंट r क्या है रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बट हमें डायमीटर कैलकुलेट करना हां ठीक है और इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है 3.2 pi ml अब हम एक काम करते हैं mks में ले लेते हैं ताकि अपनी मिस्टेक के चांस बहुत कम हो तो ml को सेंटीमीटर क्यूब होता है सर इसको 10 माइनस 3 से करेंगे तो आ जाएगा इसमें लीटर में और माइनस 3 से और कर देंगे तो आपका एमपी हो जाएगा नहीं फाइनली -3 -3 क्या हो गया -6 हो गया यस तो यहां से देखो सिंपल हम बात करें तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल ठीक है और 4 4 क्या होता है 16 16.2 हो जाएगा सर तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा बिल्कुल ठीक है तो यहां से हम क्या करते हैं काम करते हैं रेडियस निकाल लेते हैं आर क्यूब आपका आ जाएगा ठीक है सो 6 × 10⁻⁴ - 3 × 2 = 6 × 10⁻⁷ अपॉन हम बात करें na na की वैल्यू में 6 इनटू क्या लेता हूं 10⁻²³ तो इसको हम यहां से फ्री कर देते हैं ठीक है अल्टीमेटली यानी फाइनली आपका जो आंसर आया 10⁻³० आया तो यहां से रेडियस आ गई 10⁻¹० मीटर आया अब बात करें नैनोमीटर की तो एक काम करते हैं इसको देखो 10⁻⁻¹ हमें पता है नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ होता है अब 10⁻⁹ मीटर का मींस क्या हो गया नैनोमीटर हो गया पॉइंट तो आपका रेडियस आ गई 0.1 नैनोमीटर बट यहां देखो गलती मत करना एंड में पूछ क्या रहा है डायमीटर तो डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स आ तो 0.1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2 4th is the correct answer. बिल्कुल. Next हम बात करेंगे question 17 की. बोला select incorrect statement. Incorrect अपन को select करना है. We can condense
वेपर सिंपली बाय अप्लाइंग प्रेशर। पहला स्टेटमेंट ये सर, ये कह रहा है कि वेपर को आप सिंपली प्रेशर अप्लाई करके कंडेंस कर सकते हो। बेसिकली गैस और वेपर में एक बेसिक डिफरेंस होता है। वेपर जो होता है वो उसमें अपन ये बोल सकते हैं कि इट इज द इक्विलिब्रियम मिक्सर। बिल्कुल सर, ये इक्विलिब्रियम मिक्सर है लिक्विड प्लस गैस का, लिक्विड प्लस गैस का, गैस एक तरीके से। जबकि गैस जो होती है वो उसको अगर आपको कंडेंस करना है, उसको अगर लिक्विफाई करना है, तो उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर का भी रोल रहेगा सर, और प्रेशर का तो रहेगा ही, प्रेशर का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही गैस लिक्विफाई होगी या उससे कम टेम्परेचर पे होगी। अगर टीसी से ज्यादा टेम्परेचर है तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो सर, गैस लिक्विफाई नहीं, पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे तो सिंपली ये बोला वेपर है, तो वेपर में आप टेम्परेचर का कोई रोल नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रेशर अप्लाई करके आप वेपर को इजीली कंडेंस कर सकते हैं। इट मींस ये स्टेटमेंट आपका सही है, ट्रू है। सेकंड बोला टू लिक्विफाई ए गैस वन मस्ट लोअर द टेंपरेचर बिलो क्रिटिकल टेंपरेचर एंड आल्सो अप्लाई प्रेशर। प्रेशर तो अप्लाई करना ही है, लेकिन टेंपरेचर भी क्या होना चाहिए, क्रिटिकल टेंपरेचर से कम, और ये स्टेटमेंट सही है, ये भी ट्रू है। हमें देखना है फॉल्स कौन सा है। बिल्कुल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये हो गया सर कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। इस पे अगर अपन बात करें तो Z की वैल्यू होती है 3/8, ओनली 4 ये वैल्यू आएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी रियल गैस के लिए सेम आएगा। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ द गैस के, ये कांस्टेंट वैल्यू, बिल्कुल ये सारी गैस के लिए सेम आएगा, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बिल्कुल, और फोर्थ बोल रहा है अंडर क्रिटिकल स्टेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1 तो नहीं होगा सर, 3/8 होता है, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, और सिर्फ फॉल्स ही पता करना है, करेक्ट आंसर अपना फोर्थ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 18 की, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिलिटी ऑफ गैस। गैसों के द्रवीकरण की प्रकृति का सही क्रम, तो सर हमने बात की थी लिक्विफैक्शन की टेंडेंसी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी वॉल टू वॉल पैरामीटर टीसी और एक्स वाई। बिल्कुल, तो टीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इट मींस उसका लिक्विफैक्शन इजीली होगा, और टीसी का फॉर्मूला होता है 8A/27RB। तो यहां से अगर देखे तो ए की वैल्यू ज्यादा तो टीसी की ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, तो यहां से मैं और ए डिपेंड किस पे करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन फोर्स पे, और अभी हमने बात की कि प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ गैस, पोलैरिटी ठीक है, अगर सारी पोलर है तो मॉलिक्यूलर वेट, तो मोलर मास से देख लेंगे, नोबल गैस सबसे तो सबसे लास्ट ठीक है, तो नोबल गैस कोई है इनमें तो सबसे एंड में डाल देंगे, बट नोबल गैस यहां पे है नहीं, अपने पास है H2 N2 मीथेन और CO ठीक है। तो अगर बात करें तो सारी के लिए क्या है, सब गैस के लिए म्यू इक्वल टू 0 है, डाइपोल मोमेंट सब के लिए यहां पे 0 है, पर CO2 और CH4 में बॉन्ड तो पोलर है। अब बात करते हैं, ये तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अब बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे CH बॉन्ड पोलर है और CO बॉन्ड पोलर है, तो इट मींस बॉन्ड में तो पोलैरिटी आ रही है। बिल्कुल, तो CH4 और CO2 की तो ज्यादा होगी किससे, N2 और H2 से, क्योंकि N2 और H2 में दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड भी नॉन पोलर। अब मैंने क्या बताया, डिफरेंट करने के बाद क्या लगा लेंगे, मोलर मास लगा लेंगे, तो CO2 का मोलर मास मैक्सिमम मैक्सिमम ठीक है, फिर CH4 है, और देखो CO2 को हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 ही डिसॉल्व करता है। बिल्कुल, और डिसॉल्व क्यों करें, बिकॉज उसका लिक्विफाई इजीली हो जाता है, भाई वहां इकोनॉमी की बात तो होगी होगी, इजी मींस पैसा कम लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो CO2 के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद अगर बात करें तो CH4 आएगा ही आएगा, अब इन दोनों में देखा जाए तो मोलर मास से देखेंगे, N2 का मोलर मास 28 है, H2 का 2 है, तो मोर देन N2 एंड सबसे कम होगा H2, अगर ऐसा ऑप्शन देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन आपका फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट ही है सर, फर्स्ट ही है, आपका करेक्ट आंसर क्या है, 1 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 की, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये बोल रहा है कि अणुगति सिद्धांत। सर अब ये यहाँ पे केटीजी एक मतलब एक पैरामीटर सेट कर दिया, केटीजी के अकॉर्डिंग ही बताना, अपने अकॉर्डिंग नहीं बात चलेगी। कोलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, कोलिजन इलास्टिक होगी नेचर में, इट मीन्स मोमेंटम का कंजर्वेशन होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन। सेकेंड नंबर, हेवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम एट द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर पे मोमेंटम जो होगा वो हेवियर मॉलिक्यूल ज्यादा अप्लाई करेगा, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है mv होता है, m ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा डेवलप करेगा, और ये भी आपका सही। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी,
सर यहाँ पे वेरी हाई वेलोसिटी बोलो या वेरी लो वेलोसिटी बोलो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का नंबर या फ्रैक्शन जो होता है वो वेरी स्मॉल होगा, बहुत कम होगा। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, सर ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ये इस टाइप का कर्व आता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इधर फ्रैक्शन चलता है और यहाँ पे वेलोसिटी होती है, तो ये वेलोसिटी भी कम है, ये वाली वेलोसिटी भी कम है, तो उस कंडीशन में मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी का फ्रैक्शन देखिएगा सर कम ही आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, y एक्सिस पे सबसे कम हो रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, बिटवीन कोलिजन द मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे विद कांस्टेंट वेलोसिटीज, बिल्कुल। ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है सर। अब देखो अगर मान लो टक्करों के मध्य की बात करें, पर टक्कर के बाद भी वेलोसिटी सर चेंज हो सकती है, क्योंकि क्या हो सकता है, मान लो कोई पार्टिकल इधर v1 से आ रहा है, इधर v2 से आ रहा है, ठीक है, इसकी ke 50 है, इसकी 40 है, और हम फर्स्ट जो स्टेटमेंट देखे तो ये क्या कह रहा है, एनर्जी कंजर्व होगी होगी, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन मान लो ये उन्हें फर्स्ट की एनर्जी 40 हो गई और इसकी 50 होगी, तो नेट तो 90 है, बिल्कुल, बट वेलोसिटी चेंज होगी, तो आफ्टर कोलिजन चेंज, आफ्टर कोलिजन चेंज हो सकती है, बट बिटवीन कोलिजन जो है वो सेम रहेगी। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फोर्थ का स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन 20, ए व्हाट टेंपरेचर विल द H2 मॉलिक्यूल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी पर मोल एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 280 केल्विन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला होता है 3/2 RT, यहां से देखें तो R कांस्टेंट है, वो डिपेंड करते हैं ओनली टेंपरेचर पे, तो गैस पे वो डिपेंड करेगी नहीं सर, बिल्कुल गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी नहीं। अगर T की बात करें तो 280 टेंपरेचर आपका है, ठीक है, किस ताप पर, हिंदी में बात करें तो H2 गैस की प्रति मोल गतिविधि N2 की 280 पर K की सेम होगी। अब तो डिपेंड ही T पे कर रही है, और T अगर कांस्टेंट ही है तो K भी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल, और K मींस क्या होगा, T आपका सेम वही रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, 280 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ओवरऑल ये मैं बोल दूं कि अगर टेंपरेचर जब तक फिक्स रहेगा तो गैस की काइनेटिक एनर्जी एवरेज बोलो या पर मोल बोलो दोनों सेम रहेगी, दोनों सेम रहेगी, टोटल तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। हां टोटल बिल्कुल ठीक है ना, टोटल यहां पे प्रति मोल और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हां तो यहां पे प्रति मोल बोलो या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलो, जब तक टेंपरेचर कांस्टेंट है तब तक काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है सर। नेक्स्ट 21 नंबर, 8.3 लीटर सिलेंडर कंटेन्स 128 ग्राम O2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन दे रखी है आपको, व्हाट मास ऑफ O2 गैस मस्ट बी रिलीज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर टू 6 bar, इसका मतलब फाइनल प्रेशर आपको 6 बार लेके आना है, इनिशियल में कुछ ना कुछ प्रेशर था और 128 ग्राम O2 गैस थी, तो उसमें से कितनी O2 गैस को, कितने ग्राम O2 गैस को रिलीज करवा दिया जाए कि फाइनल प्रेशर रिड्यूस होकर 6 बार पे आ जाए। तो मैं पहले एक काम करता हूं सर, आप अगर यहां ध्यान से देखें 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको कांस्टेंट रखें, बिल्कुल, अगर मैं ओवरऑल बात ये करूं सर तो स्टार्टिंग का प्रेशर कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार, P = nRT/V, ये इनिशियल प्रेशर होता है, इनिशियल में 128 ग्राम O2, इसका मतलब इसका 4 मोल हो गया सर, बिल्कुल, 128 डिवाइड बाय 32 कर देंगे मोल कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल, R की वैल्यू अपन जो है वो 1/12 ले लेते हैं, 0.02 लेते हैं सर, वॉल्यूम से हम 0.082 ये लीजिए, ठीक है, टेंपरेचर 300 है अपॉन वॉल्यूम 8.3 है। मैं ऑलमोस्ट अगर सर बात करूं तो ये यहां तक आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा, इट इज द 12 ATM, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं सर, ठीक है, ये 12 ATM आ गया। अब आपको लेके आना है 6 bar पे, इसका मतलब P is directly proportional to number of moles. Container अगर आपने सेम रखा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम है, तो P पहले था 12, अब आपको लाना है 6, पहले मोल थे 4, अब मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे, तो मोल्स ऑफ O2 जो आएगा अब यहाँ से इट इज द 2 moles, इसका मतलब मास ऑफ O2 की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 64 ग्राम, और 64 ग्राम में ऑप्शन नंबर 1 है, ये सब ये फाइनल मास है, इनिशियल मास था 128, तो कितना मास रिलीज हुआ, 128 माइनस फाइनल मास 64, तो आंसर आ जाएगा 64, ठीक है सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 22 की, ए 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर, दिस इज अ कॉलम ऑफ एयर, एयर मींस क्या होगी, गैस होगी, जहां पे आप रूल अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है,
ट्रैक बाय कोलम ऑफ मर्क्यूरी, दिस इज द मर्क्यूरी, ठीक है, फोर सेमी लॉन्ग इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर्ड, यानी यूनिफॉर्म बोर्ड मींस डायमीटर इसका कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है, व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एट 180 एम, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल, यानी क्या करना आपको, सिंपल सी देखो आपके सामने पेंसिल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको केवल वर्टिकल करना, बिल्कुल ठीक। अगर हिंदी में बात करें तो चित्रा के अनुसार ट्यूब में हवा भरी हुई है और प्रेशर आपका 180 एम है, जब नलिका के खुले सिरे को ऊर्ध्वाधर रखा जाए तो हवा के स्तंभ की लंबाई क्या होगी, ये चेंज होने वाला सर, इसका मतलब ये वाला जो कॉलम है ये चेंज होने वाला है। देखो पहले तो हम बात करते हैं कि इसमें कंडीशन क्या रहेगी, तो जब मैं अगर इसको यहाँ से स्टैच करता हूँ तो यहाँ क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर कभी चेंज होगा नहीं, नहीं सर, अल्टीमेटली मेरा करना क्या है, प्रेशर चेंज होने वाला है, प्रेशर चेंज होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर टी कॉन्स्टेंट हम कौन सा लॉ लगाएंगे, बॉयल्स लॉ लगाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, ठीक है। अब पहले प्रेशर कितना है, 180 एम, जब ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे जो प्रेशर क्लियर मेंशन है कि 180 एम, बाकी को प्रेशर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल सर। तो पी वन आपका 180 एम हो गया, और गैस का ध्यान देना इसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, तो अगर गैस का वॉल्यूम ये वाला लगेगी मर्क्यूरी तो मैं तो वॉल्यूम ले नहीं, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, और एक काम करते हैं हम, प्रेशर को अगर बात करें तो हाइट के भी सामने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यूम क्या ले लें, प्रेशर की 760 mm ऑफ एच जी ले लेते हैं, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 760 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब बात करते हैं पी टू की, ठीक है, तो अगर पी इसको मैं वर्टिकली करूं, तो वर्टिकल करेंगे तो इस टाइप से कुछ होगा, यहां पे जो मर्क्यूरी है, इस पार्ट में जो मर्क्यूरी है, ठीक है, और इस पार्ट में गैस है, और यहाँ पे मर्क्यूरी, तो जो प्रेशर होगा वो मर्क्यूरी का गैस पे, ये गैस का प्रेशर ऐसे लगेगा सर, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे गैस के प्रेशर की बात करूं, ये सॉरी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये एटीएम का प्रेशर ऐसे लगेगा, बिल्कुल। अगर मैं गैस के प्रेशर की बात करूं इस बार, तो गैस का प्रेशर ये होगा सर, इन दोनों को होल्ड करके रखना, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 76 प्लस ये हो गया 4, इट मींस इट इज द 80 सेंटीमीटर प्रेशर, ये गैस का प्रेशर आ गया, यहां तो 180 एम था बट अब मर्क्यूरी के ऊपर है ना, तो प्रेशर तो अप्लाई उसका भी होगा, बिल्कुल। तो नेट हाइट क्या हो जाएगी आपकी, 76 कौन सी हाइट है जो एटमोस्फेरिक है, जो हम पहले से थी, अब कितनी इंक्रीज हो गई, 4 सेंटीमीटर, 80 हो गया, पी टू आपका हो गया 80, और हम वॉल्यूम की बात करें तो रेडियस तो कोई चेंज होगी नहीं, 80 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका जो डायमीटर है वो तो चेंज होगा नहीं, तो रेडियस भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। और ये हाइट पूछ रहा है, देखो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे पहले हाइट 10 थी, ठीक है, अब जब मर्क्यूरी से प्रेशर अप्लाई करेगा तो हाइट 10 से कम ही आएगी, तो ऑप्शन में अगर 10 से कम अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम टिक कर देते हैं, बिल्कुल, बट 10 से कम यहाँ पे केवल सेकंड नहीं है, बाकी 10 से कम है तीनों, तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और एच हम हाइट को हम क्या मान लेते हैं, इस केस में एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पहले 10 थी, अब इसको हम 10 नहीं लेके एच ले लेते, क्लियर। तो हमने क्या किया, सिंपल बॉयल लॉ अप्लाई कर दिया, अब सिंपल इसमें कैलकुलेशन है, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बात करें हम 10 से 10 कैंसिल हो गया, 76 अपॉन 8 आ गया, 76 अपॉन 8 आ गया, अगर फोर्स इसको हम कर लें 19/2 आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली क्या आ गया, 9.5 आ गया, इट मींस आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये सर कंप्लीट अपनी गुरु नीति हो गई है, बिल्कुल, ये 22 क्वेश्चंस है, इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करने की ट्राई की है, और मोस्ट ऑफ द केस में या तो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो अपने थे सर, या पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डिफ्यूज, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ उसको भी हमने कवर किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने कवर किया, बिल्कुल, और रियल गैस इसका मेन पोर्शन है उसको हमने काफी हद तक कवर किया। अगर आप ये गुरु नीति अच्छे से देख के और डीसीएम के जो पेपर चल रहे हैं उनको अगर कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट नीट में आपका काम बन जाएगा पूरा, नीट के लिए सीएलसी की गुरु नीति प्लस सीएलसी की डीसीएम, आप अगर दोनों ईमानदारी से करते हैं तो आपका नीट में सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक नहीं सकता है, बट काम करें ईमानदारी से, पढ़ाई करें ईमानदारी से, ओके बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट गुरु नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, नेक्स्ट 5th और 6th में, बिल्कुल ठीक है, ओके थैंक यू।